run. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे इट साइंस। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो सोमवार को अपलोड नहीं हुआ था। इसका कारण भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि हम सब फैमिली मिलकर मूवी देखने गए थे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सोडियम मेटल को मैं अब एसिड में, अल्कोहल में, तो आज हम सोडियम मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के देखते हैं क्यों क्या होता है। मैंने अपने वीडियो की लोकेशन जो है वो आउटसाइड द सिटी रखी है। तो दोस्तों, ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने जैसे कि इससे पहले वीडियो में बताया था कि अब हम देखेंगे कि इसमें अगर सोडियम मेटल को डालते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये है टिश्यू पेपर। अब देखते हैं टिश्यू पेपर से क्या होता है। तो देखा दोस्तों कि आपने वो एसिड कितना कॉन्सेंट्रेट था, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैंने उसमें मेटल डाला, सोडियम मेटल डाला, तो अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मेरे मोबाइल पे आके भी गिर सकता है। तो इसलिए मैंने मोबाइल का ये कवर बनाया, अगर एक्सप्लोजन हुआ तो वो एसिड इस प्लाई पे आके गिरेगा और मेरा जो मोबाइल है वो सेफ रहेगा। तो ये अपना छोटा सा सोडियम मेटल, अब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। तो देखा दोस्तों कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम ने कैसी रिएक्शन की है, उस रिएक्शन की जो डिटेल है वो डिटेल हम अपने लैब में जाके देखेंगे कि एक्चुअली उस रिएक्शन में क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, तो हम देखेंगे उस रिएक्शन में आखिर क्या हुआ था। एक तरफ हमारा हाईली रिएक्टिव सोडियम में है और दूसरी तरफ हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब दोनों की रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट ये सॉल्ट तैयार हुई और हाइड्रोजन गैस मिली थी। जी हाँ दोस्तों, वही हाइड्रोजन गैस जो हमने सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन में देखी थी, वही
हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में भी रिलीज हुए और वो जो एक्सप्लोजन था वो एक्सप्लोजन फिर से हाइड्रोजन की कारण हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इस रिएक्शन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। साइंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। मैं अपने अगले वीडियो में उस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड डिबेट।